third party access insurers and managed care is an important topic which we are looking into right now when clients decided to submit a claim for mental health benefits to an insurance company they may not realize that their information is going to be uh, accessible to those company managers and their related staff members दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू इंफॉर्म दैट वट काइंड इंफॉर्मेशन इज़ बींग आस्ड बाई द इंश्योरेंस कंपनी फ्राम द क्लाइंट्स दे मे बी आस्किंग अबाउट द डायग्नोसिस दे मे बी इंक्वायरिंग अबाउट द टाइप ऑफ द सर्विस विच इज़ बींग ऑफर्ड बाई देंटल हेल्थ प्रोफेशनल दे मे बी लुकिंग इन टू द डेट्स द सर्विस हैज़ बीन टुक प्लेस यानी कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आप थेरेपी सीख करते रहे हैं या आप असमेंट करवाते रहे हैं प्रोफेशनल कंसल्टेसन लेते रहे हैं

तो उसको अपनी इस इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोज़र उस थर्ड पार्टी को जिसे हम एक इंश्योरेंस कंपनी कह रहे हैं वहाँ पर देना पड़ेगा इन समर्कमस्टांसिज इंश्योर्स और कंपनीज डिसाइडेड टू मैनेजमेंटल हेल्थ बेनिफिट्स मे हैव ऑथराइजेशन टू टू टेक मोर डिटेल इंफॉर्मेशन यानी वो आपसे आपकी जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन जिन चार स्टेप्स की अभी हमने बात की है उससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो लेना ऑथराइज कर सकते दियर so the file, status, disorder, problem, so uh, हो बाय दर प्रोटोकॉल सो यू हैव टू गिव दैम द कम्प्लीट केस फाइल विच इंक्लूड अ क्लाइंट्स करंट सिम्टम स्टेटस यानी इफ़ ही इज गोइंग थ्रू अ बाइपोलर डिसऑर्डर यानी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम स्किजोफ्रेनिया और टाइप ऑफ पर्सनालिटी सो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उस फाइल में मौजूद होगी और वो कंपनी से शेयर करनी पड़ेगी डिटेल्स ऑफ अ ट्रीटमेंट प्लान विच में इंक्लूड के बेन्दाजपिन पे है पेशेंट उसको ज़्यादा लंबे अर्से के लिए हम कोई मूड स्टेबलाइजर दे रहे हैं उसको हम किस तरह की मेडिकेशन दे रहे हैं जिनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं दिस इन्फॉर्मेशन नीड टू बी शेयर विद द थर्ड पार्टी एंड देन डिटेल ऑफ अ ट्रीटमेंट प्लान एंड इंक्लूडिंग ऑल अदर सेंसिटिव मटीरियल इसके अंदर अगर किसी को कभी कोई सिजर्स आते रहे हैं कभी कोई फिट्स पड़ते रहे हैं उसकी भी डिटेल और इंफॉर्मेशन और उसके साथ रिलेटेड बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन एंड इश्यूज ये सारी चीज़ें उस फाइल का हिस्सा होती हैं और वो हम बाउंड हो जाते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी को देने के लिए जिसके साथ क्लाइंट जो है वो अपना एक एग्रीमेंट या अपना एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करता है कीपर ऑफ मैनीस कंसर्नस नाउ वी हैव सर्टन गाइडलाइंस विच प्रोवाइड

जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बियॉन्ड की एक पार्टी होती है सो so, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं द इंश्योरेंस कंपनीज में नॉट एक्सरसाइज द सेम कॉशिज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एक क्लाइंट के साथ के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करेगा ये ऑप्लिकेशन्स उतनी सीरियसली थर्ड पार्टीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती बिकॉज uh, उनके लिए ये एक प्रोफेशनल नेचर का काम होता है और उसके अंदर वो इतने ज़्यादा एथिकल कंसर्नस शायद मीट uh, नहीं कर पाते कभी कभार वो अन इंटेंशनल भी हो सकते हैं इंटेंशनल भी हो सकते हैं बट देर आर द चानसिस ऑफ लैब्स ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन सर्टन केसेस वेयर थर्ड पार्टीज आर इनकलूडेड इन सच काइंड ऑफ सेटअप थेरेपिस्ट शूड इंफॉर्म हिस्स लाइन्स अबाउट इशू ऑफ डिस्कलोजर टू इंश्योरेंस कंपनीज इन द फॉलोइंग मैनर नाउ द हीपा गाइडलाइंस प्रोवाइडर्स एंड इन्फॉर्मेशन किस तरह से हम एक क्लाइंट को एडवांस में ये बात बता सकते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को लूट में लेंगे तो आपको किस तरह के सिक्योरिटी कंसर्नस का ख्याल रखना जरूरी होगा ही शुड इंफॉर्म क्लाइंट हु हैव कवरेज लाइक द इंश्योरेंस के कवरेज इफ़ यू चूज टू यूज योर कवरेज

ऑल दो आई हैव नो कंट्रोल ओवर द इन्फॉर्मेशन वान्स इट लीव दिस ऑफिस सो थेरेपिस्ट जो है वो बड़े काम तरीके से इन्फॉर्म कर रहा है क्लाइंट को कि आपका डायग्नोसिस एवेलुएशन असमेंट और ट्रीटमेंट जो है वो सब कुछ मैं आपके इंश्योरेंस कंपनी जिससे आप कवरेज देना चाह रहे हैं उसको मैं प्रोवाइड करूँगा और उसके बाद उनकी जो पॉलिसीज हैं कि वह आपके डाटा को कैसे सेफ़ रखेंगे वो आप उनसे शेयर शेयर uh, करें उनसे आप लें और अपने रिकॉर्ड में रखें लेकिन वी कॉन्ट क्लेम कि आपकी ये चीज़ें हमारे ऑफिस से निकलने के बाद कितनी सेफ़ और सिक्योर रहेंगी दिस इज़ काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन विच इज़ बींग प्रोवाइड टू द क्लाइंट एज अ कॉशन कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत सेंसिटिव या सिक्योर रखना चाहते हैं तो प्रॉबेबली सीकिंग अ कवरेज एट दिस स्टेज में नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया इफ यू आर वेरी मच पिक एंड वेरी मच चूजी अबाउट द इंफॉर्मेशन विच इज़ द पार्ट ऑफ योर पर्सनल लाइफ सो so, ये एक तरीके से उनको आगाह किया जा सकता है कि कवरेज लेने से आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ओपन डिस्क्लोज हो सकती है यू शुड चेक विद कंपनी प्रोवाइडिंग द कवरेज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस और यू मे सर्टनली चूज टू पे फॉर द सर्विस आउट ऑफ द पॉकेट टू अवॉइड द यूज ऑफ इंश्योरेंस ऑल टूगैदर सो दिस इज अनदर सजेशन कि अगर आपको ये लगता है कि इस तरह की कवरेज जो है दैट इज नॉट गोइंग टू कीप योर डाटा सेफ तो आप उसको uh, या तो कोशिश करें कि उसे चूज़ ना करें या फिर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कोई ऐसे डिफरेंट रूल्स जो हैं वो निकाले जाएं जिनकी पैकेज या जिनकी कवरेज जो है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हो रादर देन सीकिंग अ थर्ड पार्टी फ्रॉम एन ओपन मार्केट तो दीज आर सम ऑफ द वेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड एंड इसकी लाइट में एक क्लाइंट को इन्फॉर्म किया जा सकता है कि एक मेंटल हेल्थ कवरेज लेने के उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं सो दैट यू कैन चूज बेटर बैटर इन द लाइट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन